जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माजरत चाहता हूँ दोस्तों। एक्चुअली मुझे अंदर एक कॉल आई और मेरी वीडियो जो है वो स्टक हो गई थी, तो दोस्तों जरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। काफी अच्छे के बाद लाइव आया हूँ। बारा साहब तुसी ते अपने ग्रुप पे जरा शेयर ते मारो। राय फाद अली खर साहब माशाल्लाह जी, क्या हाल है जी राय साहब, कैसे आप? तो दोस्तों बाद में ये कर रहा था कि कबूतरों का जो इम्यून सिस्टम इस वक्त डेवलप हो चुका है उसे तब्दील करना पड़ता है। अमूमन होता यह है कि आप लोगों ने कभी गौर किया इस बात पे कि बीमारियां आती कब हैं? एक मौसम आते दूसरे मौसम जाते, मौसम आते और मौसम जाते बीमारियां आ रही होती, उसकी वजह क्या होती है? इम्यून सिस्टम डेवलप जो हमने किया होता है उसको प्रॉपर तरीके के साथ दूसरे इम्यून सिस्टम में हम नहीं लेके जाते। मौसम तब्दीली के साथ ही इम्यून सिस्टम जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। उसकी प्लाई मतलब दाना पानी, कबूतर का रख रखाव, कबूतर की मेडिसिन, हर चीज जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है। अब अमूमन होता क्या है कि ये जो परिंदा है, खा कोई भी परिंदा जी, माशाल्लाह जी राय साहब ठीक ही होना चाहिए, कोई भी परिंदा है तो कितने दिनों के लिए शुभाष बारा साहब, कितने कितने दिनों के लिए छाल तो नहीं झड़नी पानी कमीने नहीं तो बारा साहब कितने दिनों के लिए ग्रुप, किसी ग्रुप में नहीं है। अच्छा तो दोस्तों बात कर रहा था मैं इम्यून सिस्टम की। अब चले थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक को मुख्तसर करता हूं, बात लंबी हो जाएगी। अब है क्या कि ठंड ठंड से गर्मी आएगी, गर्मी अभी गर्मी नहीं आई, मौसम तब्दील हुआ, 3-4 दिन तब्दील हुआ, इसमें भी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब करता है। अब इस तरह होगा क्या कि ठंड से जब हम गर्मी की तरफ जाएंगे और फिर गर्मी की गर्मी मतलब नॉर्मल मौसम, नॉर्मल से गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ये पीरियड जो होता है, ये जो टेनोर होता है इसका, इसको मैं कह रहा हूं जो मैं ये इम्यून सिस्टम डेवलप होने का कह रहा हूं, इसको मैं तब्दील होने का कह रहा हूं। अब पूरा एक महीना 28 तारीख 27-28 तारीख तक ठंडी ठंड ठंडी ठंड ठंडी ठंड थी, तो अब जो है ना वो मौसम तब्दील हो गया, तो डेफिनेटली उसका कबूतरों का जो इम्यून सिस्टम हमने था बांध के रखा हुआ, गर्म दाना डाल दे। और लाहौर के अंदर अक्सर दोस्त जो है ना वो फीड डालते हैं, ये बात जेहन में रखिएगा ठीक है भारत साहब। तो ये भी बड़ा एक फैक्टर होता है। अब होता क्या है कि अमूमन हम दाना जब डाल रहे होते हैं उसमें गर्म पानी, नीम गर्म पानी, पानी सादा पानी जैसे मतलब उबला हुआ पानी कहते हैं, और कोई नहीं, गर्म पानी जड़ी बूटियों वाले पानी की बात नहीं कर रहा, तो मैं खुद जो है ना वो इस कायल नहीं हूं कि जड़ी बूटियों वाला पानी जो है ना वो कबूतरों को जो है ना वो बैठे हुए दिया जाए, नहीं देना चाहिए, मैं नहीं देता, बहुत कम देता हूं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि दूं। तो होता क्या है कि जब कबूतरों का इम्यून सिस्टम हम डिस्टर्ब खुद करते हैं तो बैक्टीरियल बीमारियां आती हैं, फंगल बीमारी, इन दिनों में फंगल बीमारी ज्यादा आती है। अब बैक्टीरियल कम और फंगल बीमारी ज्यादा आएगी, क्यों ज्यादा आएगी कि जो कबूतर होते हैं उनको हम अक्सर और बेशतर जो पानी की मतलब पानी तब्दील करने का जो प्रोसीजर होता है वो हम मानो उसको हम तब्दील नहीं करते, मतलब गंदा मंदा पानी पड़ा रहता है। गर्मियों में तो हर उस्ताद ये कहता है कि पानी जो है ना वो 2-3 दफा तब्दील करना चाहिए, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ठंड के अंदर भी पानी को तब्दील करना चाहिए। अब ठंड के अंदर पानी तब्दील करना लाजिम होता है क्योंकि जब हम पानी को नीम गर्म रखते हैं, को नीम गर्म पानी जो है ना वो बोतलों के अंदर डालते हैं, तो यख मतलब ठंड ठंड होने की वजह से वो पानी 15-20 मिनट आधे घंटे घंटे बाद जो है ना वो पानी जो है ना वो ठंडा हो जाता है, जिससे कबूतरों की डेफिनेटली पोटे जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, मेदे डिस्टर्ब होते हैं। तो ये जो इम्यून सिस्टम हमने डेवलप किया होता है पिछले मतलब 2-3 महीने, जी जी रघु भाई आ गए आ गए, छोटे भी आ गए, तो जो इम्यून सिस्टम हमने डेवलप किया होता है उसको हम तब्दील करना पड़ता है। तो उसको तब्दील करने के लिए बेहतर है कि आप जो है ना वो चंद एक सिरप इस्तेमाल कर लिया करें। मैं फ्लेजल इस्तेमाल करता हूँ, डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। बारा साहब असि तो उथी खलोते हैं थोड़े चाह नाल चाह, देखो जी असि ना भजागे तो ना तुहानू भजन देंगे। जेडे आउंदे ने जांदे ने ओ मौसमी बटेरे आउण जाण दे, उन्हां नू कोई फर्क नहीं पैंदा, अपनी जगह नहीं तब्दील करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों तो फ्लेजल इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रूफिन इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इससे बढ़ के मैं एक चीज और करता हूँ, एक रिजिक्स सिरप होता है, टीडे या रिजिक्स, ये बेसिकली रेशे नजला जुकाम खांसी के लिए होता है। मानो मुझे तो दिखने दो ना बेटा, मुझे
अच्छा चलो इधर दोनों 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 बस रिजिक्स इस्तेमाल कर तो अक्सर बेशतर महीने में एक आध ढक्कन 15 दिन के बाद एक आध ढक्कन जो है ना ये चीजें मैं देता हूँ, ब्रूफिन देते तो फ्लेजल देते तो रिजिक्स दे देते कबूतर को किसी किस्म की बीमारी नहीं आती। अब्दुल्ला नजर भाई वालेकुम सलाम। तो इम्यून सिस्टम को डेवलप करें, मतलब जब मौसम तब्दील हो रहा हो तो कबूतरों का खास ख्याल रखा करें, दाना पानी खुड्डों की सफाई। और अक्सर साजा कराम को मैंने ये सुना है कि जब सर्दियां आ जाएं तो उस वक्त खुड्डों की सफाई नहीं करनी चाहिए, तो मैं इस चीज का कायल हूँ भाई, लाजमी खुड्डों की सफाई होनी चाहिए, कबूतरों को प्रॉपर दाना पानी साफ सुथरा मिलना चाहिए। फंगल बीमारियां हमारे गंदे दाने की वजह से होती है, जो दाना जो है ना वो गंदा नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब हम गंदा दाना खरीद के लाते हैं, भाई दाना साफ होता है लेकिन जब हम खुड्डों में डालते हैं तो उस वक्त जो है बीठ लगने की वजह से, खुड्डे गंदे होने की वजह से जो दाना है वो गंदा हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा दोस्तों परपुटाई की बात कर रहे थे, दोस्तों एक बात याद रख लीजिएगा, मैंने जो एक चीज समझी है कबूतरबाजी में, कबूतर परवरी में, अब अपना घर जो है ना वो जब शिफ्ट हो जाएंगे तो उस वक्त कबूत मानो क्या कर रहे हो यार, शेर ना कर तो उस वक्त प्रैक्टिकल भी होगा क्योंकि अब अपनी छत ओपन हो जाएगी 2013 के बाद नागे अहमदाबाद में उड़ते रहे, अब अपनी छत भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इफ्तिताह करके मैदान में लाने लगे। तो सारा कुछ फिर प्रैक्टिकल में होगा, जारी बात है पहले किसी का जाके इंटरव्यू करना तो वहां पे वो बताए ना बताए उनकी अपनी मर्जी, तो जब अपनी छत होगी हर चीज अपना होगा तो इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से सारी चीजें बताया करूंगा। परपटाई के दौरान एक बात याद रखिएगा, जो मर्जी हो जाए जो मर्जी हो जाए जो चले, अब दोनों ने शोखी कोई नहीं करनी। तो दोस्तों नेट जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो बाद में ये कह रहा था कि दोस्तों के जब कबूतरों की परपुटाई की जाती है तो उसमें परपुटाई अभी करनी है कुछ दोस्तों ने, जारी बात है बिसाख और जेठ की भी परपुटाई होनी है, चेतर की होगी, चेतर की अक्सरियत बच्चे ही है। तो याद रखिएगा कबूतरों को डीवर्म करना है, लाजिम करना है, जिससे भी करते हैं वो आपका अपना मैटर है, जेंटल से करें, ऑक्साफेक्स से करें या कोई और पैटर्न है आप लोगों का, कबूतरों को लाजमी 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 याद रखिएगा इस बात को कि कबूतरों को लाजमी तौर पर डिवर्म जरूर करना है। डिवर्म करने के बाद जो है ना वो परपुटाई करनी है, और याद रखिएगा परपुटाई से पहले एक दिन पहले या जिस दिन आपने परपुटाई करनी है ब्रूफिन सिरप लाजमी दीजिएगा। अब ब्रूफिन सिरप क्यों देना, मानो पीछे हट जाओ ना थोड़ा सा, हमें अंकल लोगों से बात कर लूं जी। इफ्तिखार अहमद भाई क्या हाल चाल है आपके, मेरे पास रेसर है, एक कबूतर की आवाज में फर्क है, परवाज में क्या कहना चाह रहे अब्दुल्ला भाई, मैं समझा नहीं, मानो नहीं करें आप, ठीक है। तो फिर रिपीट कर दे तो आप दोनों, आप फैंटी लगेगी दोनों को याद रखना। तो आप लोग दो चार चीजें लाजमी कर लीजिएगा परपुटाई में, कबूतर ठीक रहेंगे। सबसे पहले बताया मैंने डिवर्म जरूर करना है, और मैं तो अगर फर्ज करे 40-45-55 दिन में तैयारी है, चाहे 40 दिन लग ही जाए, 40 दिन से ऊपर ही लग जाते, तो भाई इसमें 2 से 3 दफा कम अज कम जो है ना वो डिवर्म करना होता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है ना वो जिस दिन परपुटाई करनी है उस दिन मानो नहीं करें ना, जिस दिन परपुटाई करनी है उस दिन दोस्तों ब्रूफिन सिरप पहले दे लेना है, फिर उसके बाद परपुटाई करनी है। अब परपुटाई रहने दो से, परपुटाई का टाइमिंग का थोड़ा सा शेड्यूल भी रखिएगा कबूतरों को, यकदम जो तब्दीली आती है मतलब पर खींचने की वजह से। मैं तो वैसे सारे अपने कबूतरों के जब मैं परपुटाई करता हूँ, अब देखेंगे इंशाल्लाह जल्दी परपुटाई भी मेरी छत अपनी जाती छत पे होगी, तो मैं तो यकदम कबूतरों के पर नहीं खींचता, थोड़े से जो ना वो मैं टाइम दे के कबूतरों के पर खींचता हूँ। उसकी वजह कबूतरों को मैं कमजोर नहीं होने देता, जारी बात है जब अक्सर दोस्त करते हैं वो पर परियां दुम हर चीज बगले एकदम खींच के टुंडे मुंडे कर देते हैं, तो उससे होता क्या कि कबूतर बीमार हो जाते हैं, खर खर करता। अच्छा जी मैं खर खर करता मैं बताता हूँ, तो होता क्या है कि जब मतलब कबूतर को इस तरह कर देंगे वो कबूतर कमजोर होगा। अब अगर हम 2-3 दफा करेंगे शेड्यूल के साथ तो फिर होगा क्या कि कबूतर जो है ना वो कमजोर नहीं होंगे। अच्छा जी अब कर लिया आपने डिवर्म कर लिया, उसके बाद आपने ब्रूफिन देना है, ब्रूफिन के बाद आपने यहां पे एक चीज मैं आपको लाजमी मशवरा दूंगा कि कबूतरों को परपुटाई के दौरान अजवैन का थोड़ी सी अजवैन डाल लें, थोड़ा सा जो है ना वो साथ उसमें दालचीनी डाल लें, मोटी काली इलायची जिसे कहते हैं वो एक आध डाल लें,
और थोड़ी सी सौंफ डाल के कबूतरों को ये वाला नीम गर्म पानी बना के दीजिएगा, कबूतरों की पोटे चलती रहेंगी। मैं तो बना के ये दो दफा देता हूँ, जिससे होता क्या है कि 15 दिन के बाद दे देता हूँ, जिससे होता क्या है कि कबूतरों की पोटे जो ना वो बड़ी फिट चलती है और कबूतर पार भी अच्छे निकालते हैं। जारी बात है, हम जो ना वो दाना एक क्लास सुपर क्लास डालना चाहिए, ठीक है, तो कबूतर जो वो ठीक होते हैं, ठीक ही रहते हैं। अच्छा जी, एक भाई का सवाल आया कि अब्दुल्ला नजर साहब का, कि कबूतर के खर खर आती है। सर जी, खर खर का बेहतरीन इलाज है डॉक्सी कैप्सूल एक ले लीजिएगा। मानो मैं अंकल लोगों से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सुनाए जी। लैपटॉप को क्या करना है आपने? लाइव किया है? नहीं, उस पर नहीं किया। मानो शर्ट नीचे। अच्छा तो दोस्तों, बात ये कर रहा था कि खरखर डॉक्सी कैप्सूल एक आदत, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप एक अंदर फ्लेजल सफेद रंग की गोली 500 mg वाली और एक डॉक्सी कैप्सूल, इसका पाउडर गोली को पीस के पाउडर बना लेना है और अंदर डॉक्सी कैप्सूल खोल लेना है, और एक पल्मोनोल सिरप होता है। सबसे पहले आपने एक चुटकी जो है वो गले कबूतर के गले में डाली और उसके बाद एक सीसी जो है वो पल्मोनोल सिरप दे दिया, तो कबूतर तीसरी 3 दिन मुसलसल कीजिएगा, चौथे दिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन बहरहाल 5 दिन पूरी करिएगा खुराक तो कबूतर की खरखर खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो वो कर लीजिएगा। आज मेरी फौज मेरे साथ है, जो बात नहीं करने दे रही है तो मुझे भी नजर आ रहा है। अच्छा दोस्तों, तो मैं अपनी बात जो शुरू किया था, जहां पे ये जहां से ये टॉपिक शुरू किया था इम्यून सिस्टम के ऊपर, दोस्तों फ्लेजल ब्रूफिन और एक अदद रिजिक्स इन दिनों में लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। अक्सर होता क्या है कि जो कबूतर होते हैं उनको रेशे की वजह से भी पर खराब निकलते हैं, तो उससे भी बचे रहेंगे और उसके अलावा कबूतर भी आपके जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक रहेंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल से दोबारा प्रॉपर तरीके के साथ 9:30 बजे आप लोगों के साथ लाइव आऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम घर का बाकी है, मतलब शिफ्टिंग होनी है, शिफ्टिंग उसमें मुझे मसरूफियात रहनी है, इंटरव्यूज लेट होने हैं, तो उसके अलावा कुछ कपों के पंजाब कपों के कुछ मामला था, इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में वो भी कम्प्लीट करना है, तो फिर आप लोगों के साथ पूरे पंजाब से जो है ना वो मार्च से पहले पहले भरपूर तरीका कप से पहले पहले जो मार्च मतलब चेतर के कप से पहले पहले इंशाल्लाह अपने मामला जो थोड़े से लटके पड़े हैं वो भी पूरे करने हैं, और कुछ लोग आजकल बहुत फुदक रहे हैं, जरा उनके साथ भी मोहब्बतें करनी है। नदीम भाई, जो कबूतर घर जाता है अगर मिल जाए तो दोबारा क्यों चला जाता है? अलवी साहब, आप मेरे पुराने फॉलोअर और मेरे सब्सक्राइबर हैं और जी शौर इंसान है। पंजाबी की एक कहावत है, जिहड़ा चिड़ी का बोट एक बार डिग जाए ना उन्हें डिगना ही होंदा। अलवी साहब, मैं बात रिपीट करता हूं कि पंजाबी की एक कहावत है, जिहड़ा चिड़ी का बोट एक बार डिग जाए आलने च उन्हें डिगना ही होंदा, और जो कबूतर मैं आज तक इस चीज का मतलब कायल नहीं हूं कि कबूतर चला गया और उसे लाके दोबारा उड़ाएंगे, तो अगर कबूतर जो इज्जत का भाईवाल है उसने घर ही आना है, ऊंच नीच करो जो मर्जी करो, तो बेहतर है कि कबूतर को फिर तो मैं ऊंच नीच करके देख लो भाई, जाना तो अभी चले जा बाजियों में ना जाए। कल से इंशाल्लाह दोबारा 9:30 बजे आप लोगों से मुलाकात रहा करे, तब तक दीजिए इजाजत। फीमान अल्लाह हाफिज़।